लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जुनून की ज़रूरत होती है। जब हम डिलीवरी करने जाते हैं तो हर दिन कामयाब नहीं होते, कई बार जैसे चाहिए था वैसे परफॉर्मेंस हुआ भी नहीं, थोड़ी निराशा होती थी। मगर स्पॉट ने मुझे यही सिखाया कि अगर आप हार के गिर जाते हो तो गिर के वहीं नहीं पड़े रहते, वापस अपने पैरों पे खड़े होते हो और कम्पीट करना शुरू करते हो। आपके लाइफ में भी बहुत मुसीबतें आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए, मगर एक अच्छी बात है कि आपने हार नहीं मानी थी। जो अपना फोकस था वो अपने प्रोफेशन पे रखा कि जो आप जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो उसका पीछा करना आपने छोड़ा नहीं, और इसलिए आप इस मुकाम पे पहुँचे। जब कोई कंपटीशन में आप जाते हो तो ऑलवेज एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है कि देश वाले सारे इतनी सारी चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं लगा तो क्या होगा। मैं यही आपको सिंपल मैसेज दूंगा कि आप जो भी आगे होने वाला है उसके बारे में ना सोचें, या जो भी आपके पीछे हुआ है उसके बारे में भी ना सोचें, एक प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। जब आप कंपटीशन में हो तो मुझे इतना पता है कि आपको समय दिया जाएगा, जैसे हमारे क्रिकेट में भी समय मिलता है हमें कि 50 ओवर में ही इतने रन बनाने हैं, आपको भी वैसे ही चैलेंजेस रहेंगे, मगर आपकी प्रेपरेशन इन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के लिए हुई है। जब सारा देश आपके साथ होता है तो उसकी शक्ति कुछ अलग ही होती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही शक्ति आपके साथ भी है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हर चैलेंज का सामना करोगे, अपने दिल से पूरा 100% दम लगाओगे और अपने देश का नाम रोशन करोगे। चैलेंजेस रहेंगे, प्रेशर रहेगा, एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगे, मगर उसी में जाके परफॉर्म करने में मज़ा है। टीम इंडिया, ऑल द वेरी बेस्ट, हम आपके साथ हैं।